भाई लास्ट दर्शन है आज के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज की एक और नई वीडियो में। तो भाई सुबह के 10 का टाइम हो चुका है, दोनों भाई नहा के रेडी हो चुके हैं जाने के लिए ऊखी मठ। कल बाबा केदारनाथ जी की डोली ना गुप्त काशी पहुंच चुकी थी, आज वहां से सुबह निकल चुकी है। बोल रहे हैं 11-12 बजे तक ऊखी मठ पहुंच जाएगी ओंकारेश्वर टेम्पल में, जहां पर वो 6-7 महीने के लिए रहती है। अगर किसी ने दर्शन करने होते ना इन दिनों में, तो ऊखी मठ ओंकारेश्वर टेम्पल जाके दर्शन कर सकता है। ठीक है, अभी 10 के करीब का टाइम हो चुका है, 11-12 बजे ऊखी मठ डोली पहुंचनी है, तो अभी जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं, नहीं कभी लेट ना हो जाए, क्योंकि वहां पर भी ना काफी अच्छी सेरेमनी होती है, अच्छा उत्सव होता है दिखाने लायक। ठीक है, चलते हैं अभी जल्दी से। एक बार सुबह का व्यू दिखा देते हैं। इधर कपड़े मैंने बाहर डाल दिए, क्योंकि हल्के हल्के गीले रह गए थे ना, इसलिए बाहर डाल दिए थे। मैं जब तक आएंगे तब तक सूख जाएंगे भाई। इधर अर्शी भाई अपना पगड़ी बांध रहे हैं, और वही पहाड़, वही वादियां, वही धूप, वही नीचे डैम। भाई कमरे को ताला लगा दिया, अभी चलते हैं उखी मठ की। और भाई डोली शायद पहुंचने वाली होगी, और भाई खाना आज खाना नहीं, क्योंकि सुबह सुबह भैया खाने दे गए थे, पराठे वगैरह दे गए थे आगे। ठीक, ओ भाई यहाँ से निकलना मुश्किल होता, ये पुराने टाइम में ना दरवाजे ऐसे होते थे, अब भी हैं स्लाइड वाले। ठीक है भाई, और दूसरी बात, मैंने दाढ़ी बाल कटवाने थे, बट मैंने सोच रखा था जब तक बाबा जी के डोली के दर्शन उतरेंगे ना, तब तक दाढ़ी बाल नहीं कटवाएंगे। आज लास्ट डे है हमारा यहाँ पर, और बाबा जी भी अपनी जगह पर जाके विराजमान हो जाएंगे। आज शाम को देखते हैं दाढ़ी बाल कटवा के, उसके बाद फिर वापसी की ओर चलेंगे। ठीक है, चलते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आओ ऊखी मठ भाई, और इधर रास्ते की हालत तो देखो भाई, गाड़ियाँ निकलती है ना बस धूल धूल कर देती हैं। ओ भाई फिर आ गई गाड़ी, इनसे बच कर रहना पड़ता है। हम ना कितने भाग्यशाली हैं भाई, कितने दिन से लगातार भगवान जी के दर्शन करने को मिल रहे हैं भाई। चलो भाई आजा। ऊखी मठ 5 किलोमीटर रह गया। लो भाई जी, बाबा जी की डोली की वजह से ना यहाँ से जाम शुरू हो चुका है, और अभी 4.5 किलोमीटर ऊखी मठ रह गया होगा। लो भाई जी सामने डोली है जी, दोबारा फिर से दर्शन हो चुके भगवान जी के। और यहाँ से ना डोली शॉर्टकट जाती है, ऊपर से होते हुए कहीं शॉर्टकट ही आई है गुप्त काशी से, और आगे भी शॉर्टकट ही जाएगी। इधर अपने कुछ भाई लोग मिले जानकर। बाबा जी तो थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं, ये चांदी का कितना बड़ा छत्तर है भाई। क्या गया था? ठीक है, तो भाई देख रहे ना कितना भव्य स्वागत हो रहा है। अभी तो स्वागत होना भाई, आगे जाकर चलते हैं मंदिर परिसर में, वहां पर जाके डोली विराजमान होगी ना, वहां जाके दिखाएंगे आपको अच्छे तरीके से भाई, क्योंकि साथ साथ तो पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास बाइक भी है ना, तो बाइक कहाँ खड़ी करेंगे। और अपने वो भाई भी इधर आए हुए हैं जिनके रूम में हम रुके हुए हैं, उनसे भी मिलते हैं। भाई जी अपने भाई भी मिल गए। बोले तेरी जय जयकार, बोले तेरी जय जयकार। लो भाई जी इधर से जा रही है डोली, बट मेरे को बाइक लेके नीचे से जाना है, चलो इधर से चलते हैं। डोली शायद ना यहाँ पर ऊपर निकलेगी भाई, यहाँ भी लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, बट हम चलते हैं सीधा मंदिर में। तो फाइनली ऊखी मठ पहुंच चुके हैं भाई। तो फाइनली सामने बोर्ड लगा है श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ लेफ्ट साइड, ये वाला भाई, ये वाला। चलो भाई, और भाई दोनों तरफ वही वाइट वाइट कली सी है। यहाँ से दिख रही है डोली आती हुई भाई, आपको दिखाते हैं। वो देखो वो जिगजग रास्ते से आ रही है, 10-15 मिनट में पहुंच जाएगी यहाँ तक। चलो मंदिर चलते हैं। तो
फाइनली पहुंच चुके जी मंदिर के पास, ओंकारेश्वर टेंपल। भाई दर्शन करो, यहाँ से अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। सामने पुलिस वाले भैया हैं, यहाँ जगह नहीं है, बोरे पीछे जहाँ मर्जी लगा दो, कोई चक्कर नहीं है। चलो भाई, तो भाई राइट टाइम पर पहुंचे हम भगवान जी के दर्शन करने के लिए। उखी बट बाइक लगाने की जगह मिल चुकी है भाई, यहाँ बाइक लगा देते, यहाँ कोई चक्कर नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, है ना, लगा दे। ठीक है भाई, इधर बाइक लगा दी है। आगे सर जी बोल रहे थे पुलिस वाले भी यहाँ नहीं पीछे लगा दो, बाकी ठीक बात है, रास्ता भी नहीं रुकना चाहिए ना, फिर भी डोली आनी है इस चक्कर में। चलो अब आराम से अच्छे तरीके से दर्शन कराते हुए चलते हैं आपको भाई। तो आर्मी की गाड़ी पहले आके खड़ी हुई है जो साथ साथ चल रही थी, बट पानी वाली गाड़ी तो शायद पीछे रह गई है भाई। चलो ऐसी छोटी सी मार्केट बनी हुई है इधर भाई, अभी चलते हैं मंदिर की ओर। ऊपर रास्ता शायद गांव की ओर ही जाता है, जगह जगह प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर एक ढाबा टाइप है, चाय पीते हैं, यहाँ पर हेलमेट रख देंगे भाई। यही बोल रहे भी चाय तो नहीं बना रहे हैं, फिर मैंने सोचा कोई नहीं हाथ में रखते हेलमेट, कोई चक्कर नहीं है। काफी भव्य मंदिर बना, काफी बिल्डिंग है, शायद धर्मशाला टाइप भी साथ में है। और भाई ये रास्ता है मेन मंदिर का, इधर ये वाला मंदिर है। अभी डोली आती है ना तो उसके साथ साथ चल के फिर आपको दिखाते हैं। तो दोबारा पीछे गया, चाय बन गई थी, चाय पी ली, इसी बहाने हेलमेट रखाया। अब फ्री से खाली खाली हाथ हो गए ना, अब अच्छे तरीके से आपको दर्शन कराएंगे मंदिर के भी और डोली के भी। इधर से डोली आएगी, मैं इधर आके खड़ा हो गया हूँ, डोली पास ही पहुँचने वाली है भाई। और आपको गाँव भी दिखा देते हो, खीमट गाँव, इधर पशु है इनके भाई, देख लो साथ में सारा कुछ दिखा दिया अच्छे तरीके से भाई। हार्ड लाइफ है इधर लोगों की, ये वही वाला पशुओं का सूखा चारा डाल रखा है इधर। बम बम हारे हारे बम, वीडियो तो है, यही तो है विराजमान होती है वो भी दिखाते हैं। जी डोली ओंकारेश्वर मंदिर में एंटर हो चुके हैं भाई, साथ के साथ अपडेट देते जा रहे हैं भाई। भाई यहाँ तो पहले से काफी लोग आके बैठे हुए हैं भाई, कितना पुराना मंदिर है ओंकारेश्वर मंदिर। चलो भाई एक ना नीचे कुछ बना हुआ है, इसके चारों तरफ राउंड लगवा रहे हैं भाई डोली को।
तो ऊपर ले गए भाई। इधर से आगे ले गए, देखते जाके भाई अच्छे तरीके से देखो, इतना आलीशान इतना अच्छा बना रखा मंदिर भाई। कितने पुराने पुराने घर भी हैं इधर देखो भाई। ओ यार क्या कुछ देखने को मिल रहा है। ओ वाह ये देखो भाई कितना पुराना है, कितना ज्यादा। ये मेन मंदिर परिसर है भाई, ये देखो पत्थरों के ऊपर निकासी कर रखी है। इधर भी है भाई। पता नहीं कहां पर भगवान जी विराजमान होंगे। पहले सारे मंदिर का राउंड लगाते हैं एक एक चप्पे का, चारों तरफ भगवान जी को घुमा के फिर पता नहीं कहां जाके विराजमान, इधर जाके विराजमान होगा भाई। भाई लास्ट दर्शन है आज के। भाई प्रशासन को ना लोगों की भीड़ को रोकना मुश्किल हो रखा, देखना पुलिस वाले भैया के क्या हालात कर रखे हैं। लोग धक्का मुक्की करते करते अंदर जा रहे हैं भाई, कितना क्राउड हो रखा देखो भाई। पहली बात तो अंदर जाने नहीं देंगे हमें भाई, और दूसरी बात अगर चले भी गए तो शायद अंदर वीडियो अलाउड नहीं होगी। देखते हैं अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं, अगर अंदर जाने की अनुमति मिल गई तो थोड़ी बहुत वीडियो बना के आपको भी दर्शन करवा देंगे कि ऐसी जगह पर विराजमान होते हैं भगवान। भाई अंदर कुछ अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, जूम करके देख रहा हूँ अंदर अंधेरा और रखा ना। चलो भाई यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, एक तो धूप होगी गर्मी होगी सीने आने लग गए हैं, दूसरा अंदर परमिशन मिल नहीं रही भाई। बस जो दिखाना था आपको दिखा दिया अच्छे तरीके से। क्लोजिंग 2023 का लास्ट महोत्सव, भगवान भोलेनाथ जी अपनी जगह पर विराजमान हो चुके हैं 5-6 महीने के लिए, उसके बाद अगर भगवान ने बुलाया तो ओपनिंग में आएंगे। चलो भाई भैया जी ना, भैया जी दरवाजे पर खड़े हैं, जो भी जा रहा है सभी को प्रसाद मारते जा रहे हैं। दरवाजे देखो ये भी पुराने टाइम के हैं पर बहुत ज़्यादा मजबूत है भाई, जैसा कि आपने देखा ही होगा राजा महाराजाओं के जो महल होते हैं ना उनके दरवाजे कितने मजबूत होते हैं, सेम वैसे ही बना रखे हैं भाई। चलो भाई जय बोलेगी भाई, जूते डालो और चलो अपने रूम पर वापस भाई। वाकई भाई बड़ा ही ग्रांड सेलिब्रेशन होता है भगवान केदारनाथ जी के ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का हुआ। अब मैं और हर्ष भाई जा रहे हैं हर्ष भाई की बाइक लेने, हर्ष भाई की बाइक नीचे खड़ी थी, उसके बाद अपने जो भैया ने साथ में, क्या नाम है भैया का, अमित है शायद, अमित भूल गया नाम भैया क्या, उसके साथ बैठते कुछ खाते पीते यही उखी मठ में, क्योंकि कल हम चले जाएंगे ना फिर दोबारा कैब तक कब मिलना होगा ना।
जो पीछे जहाँ पर मंदिर है वो तो सारा उठी मिट्टी है, बट उसकी जो मेन मार्केट है वो थोड़ी आगे जाकर इधर चोपता की तरफ जाते। लगता है हर्ष भाई की बाइक पंचर है, थोड़ी थोड़ी हवा कम लग रही है, देखने में रुके थे अभी देख रहे थे शायद आगे पंचर लगवाएंगे। ये है जी उखी मटकी मेन मार्केट इधर पंजाब नेशनल बैंक, और आगे चले गए दोनों भाई, वहीं चलते हैं उनके पीछे पीछे, उन्हें ही पता कौन सा होटल रेस्टोरेंट जहाँ पर खाना खाना है। काफ़ी अच्छी मार्केट इधर तो भाई, पूरी सिटी टाइप बना है, नीचे से पता ही नहीं लगता। करो हैं कहाँ रुकू फिर, ठीक है ओके। वही बात, अभी पंचर हो गए थे ना, हवा भराने गए हैं, तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ, फिर वो आ जाते हैं ना, फिर चलते हैं किसी होटल में। आज शायद इनका फास्ट फूड खाने का मन है। सही है, सही जगह है ना, सही जगह पर रुका था मैं ना, बाय चांस यहाँ पे एकदम एक नंबर मोमो मिलते हैं यहाँ पे, बाय चांस रुका था इधर, वेट कर रहा था। पंचर है ना, पंचर नहीं हवा कम थी, पंचर ही है भाई, वो छोटा पंचर मिलेगा फिर दोबारा पहले की तरह, देखते हैं फिर वो जो चेक करा लेना बार बार से, अच्छा नहीं था। तो भाई इधर अर्श भाई ने ऑर्डर किए थे इसके, मतलब जो फेवरेट चीज है भाई, बट काफी दिन से छोड़ रखे थे, पर आज पता नहीं क्या हुआ इसको, क्या चेक करो आज भाई, आज सबर का बांध टूट गया। ऐसे पहले जा रहे ना भाई, हाँ हाँ हाँ, मतलब इन्होंने शायद एक महीने से खाना नहीं खाया, नहीं खाया, अच्छा सा खाया नहीं है ना, इनके लिए ये अच्छा है। ठीक है भाई, इधर ही खाया जा रहा है, उधर हमने किया ऑर्डर एक बर्गर। हम लद्दाख में पिज्जा ढूंढ रहे थे एक दिन बैठ के, बहुत ढूंढा, ले पहुंच गए ढूंढते, ले में जाके मिला पिज्जा। तो भाई जी खाना पीना हो चुका है, जो कुछ खाना था, अभी चलते अभी सीधा जाके आपको रूम पर ही मिलेंगे, जाके वीडियो एडिट करते हैं, आज काम जल्दी फिनिश हो गया। सामने का व्यू कितना अच्छा लग रहा है देखो, ये जो काफी बड़ा पेड़ है ना, इसमें हल्का गुलाबी रंग के फूल खिले हैं, और उधर बर्फ ही बर्फ भाई, कितना अच्छा व्यू लग रहा है ना। हेलो भाई जी, दोबारा पहुंच चुके हैं अपने रूम पर, और ये है जी भैया का न्यू शिव पैलेस जहाँ पर रुके हुए हैं, और इधर भैया का डॉगी है ये हैप्पी, इसका नाम हैप्पी है। चलो भाई चलते हैं, अभी आराम करते हैं, आज थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा है, क्योंकि आज कई दिन लगातार बिजी शेड्यूल से चल रहा था ना, आज थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, टाइम से आ गया रूम पर। लो भाई जी, भाई ना बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं भाई, सुबह चाय फिर खाना फिर चाय, भैया कहाँ दे पाएंगे आपको इतना देना। शाम के 5 बज चुके हैं भाई, 2-3 घंटे वहाँ से आने के बाद ना आराम से बैठ रहे दोनों तीनों भाई, बातें चीतें करते रहे, और अभी कुछ ना ऐसा माहौल हो चुका है भाई, सनसेट होता जा रहा, बस थोड़ा सा रह गया, दिखा देता हूँ भाई, बस उस पहाड़ की चोटी पर ना वो थोड़ी सी रोशनी रह गई है, बाकी सनसेट तो हो चुका बिल्कुल, और वैसे भी तो सामने पहाड़ है और सूर्य देवता दिखेंगे भी नहीं, ठीक है। फिलहाल अभी शाम को ऐसा कुछ माहौल हो गया भाई, उस पहाड़ पर भी रोशनी है बर्फ वाले पर, ये पता नहीं क्या चक्कर था, जो बर्फ वाला पहाड़ होता है उसके ऊपर रोशनी होती है ना, उधर भी देखा था केदारनाथ में, जो केदारनाथ पर्वत है ना, और वो गोल्डन होती है, गोल्डन होती है, मस्त लगती है शाम को, जैसे जैसे और लेट होते जाएंगे ना, ये वाला पहाड़ ना बिल्कुल गोल्डन हो जाएगा, जैसे केदारनाथ वाला था, अभी भी दिख रहा है ना सब थोड़ा, पर जैसे जैसे और टाइम होता जाएगा और ज्यादा गोल्डन हो जाएगा। तो आज का अपना खाना भाई कहीं बाहर नहीं होगा, आज का अपना खाना भैया के पास ही है, भैया बोल रहे हैं आज घर का खाना खिलाएंगे अच्छा सा, तो ठीक है, हमने बोला था कोई चक्कर नहीं हम कहीं और से खा लेंगे, बट भैया बोले नहीं आज का खाना हमारी तरफ। लो भाई 8:18 हो चुके हैं, और अपने भैया अपने लिए खाना लेके आए, भैया जी क्या क्या, ये कौन सी दाल है, ये है पहाड़ी दाल, पहाड़ी दाल, नाम क्या इसका, ये है तोर, तोर तोर की दाल, तोर की दाल, अच्छा अच्छा समझ गया, और ये घिया, हाँ ये घिया पंजाबी में घिया बोलते हैं क्या, कद्दू तोरी लौकी, लौकी भी कद्दू भी बोलते हैं हम, हाँ लौकी ज्यादा बोलते ना, साथ में चार है साथ में रोटी है, एक बाजू के बराबर होती है लौकी, हाँ इस, अरे बड़ी बड़ी होती हैं, तेरे साइज की भी देखी हैं, जो बीज के लिए पका लेते लास्ट में, सच्ची कभी दिखाऊंगा तेरे को मैं, घर पे कभी लगी हुई ना कहीं, फिर दिखाऊंगा तेरे को मैं, फंसे साथ में नींबू है भाई। ठीक है भाई, काफी दिनों बाद आज घर का खाना मिल रहा है, तो मजे से खाते हैं, ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।